सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मणिनयन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए का। राजेश मुंबई में बिजनेस करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में वो अलग अलग जगह फ्लाइट से जाया करते हैं। हाल ही में आए एक फैसले से उन्हें एक पल के लिए राहत मिली। फैसला ये था कि सिविल एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर यानी कि DGCA ने एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइन निकाली है। इन नए नियमों के चलते फ्लाइट टिकट जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। DGCA को जानकारी मिली थी कि कई बार पैसेंजर उन सेवाओं का भी भुगतान कर रहे हैं जिनका वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इन सेवाओं की कई पैसेंजर को जरूरत भी नहीं पड़ती है। DGCA सर्कुलर के अनुसार अब एयरलाइंस को सीट चुनने, स्नैक्स ड्रिंक चार्ज, चेक इन बैगेज चार्ज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चार्ज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चार्ज, कीमती सामान की फीस को अनबंडल करना होगा। एयरलाइन फ्री बैगेज अलाउंस दे सकेंगी। सामान के साथ आने वाले पैसेंजर्स पर लगने वाला चार्ज क्लियर बताना होगा। साथ ही ये फीस टिकट पर भी प्रिंट करनी पड़ेगी। पैसेंजर्स को सिर्फ उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा जिनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजेश लेकिन सोच में पड़ गए हैं कि क्या इस फैसले के बाद वाकई में टिकट सस्ती होंगी या उल्टा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि फ्लाइट टिकट के रेट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। आज अगर कोई टिकट 2 या 3 हजार रुपए का है तो वो कुछ ही दिनों बाद 5 हजार रुपए का भी हो सकता है। अगर पैसेंजर का फ्लाइट में अन्य सेवाओं को चुनना ऑप्शनल कर दिया जाता है तो कहीं कंपनी अपने बेस फेयर को तो नहीं बढ़ा देंगी ताकि उनके मुनाफे पर इसका असर ना पड़े। राजेश का ये कंफ्यूजन वाजिब भी है। इस पर व्हाइट एंड ब्रीफ एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के मैनेजिंग पार्टनर नीलेश त्रिभुवन ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स में एक छोटा सा बदलाव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह टिकट की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, लेकिन ग्राहकों के पास अब अपने बजट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से ट्रैवल ऑप्शन चुनने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो उनके ओवरऑल ट्रैवल एक्सपेंसेस को कम कर सकता है। एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के हिस्से के रूप में फ्री बैगेज अलाउंस और जीरो बैगेज, नो चेक इन बैगेज किराया जैसे दोनों ऑप्शन दे सकती हैं। हालांकि यदि कोई यात्री नो चेक इन बैगेज ऑप्शन चुनता है और फिर हवाई अड्डे पर चेक इन के लिए सामान लाता है तो एडिशनल चार्जेस लगेंगे। ये शुल्क रीजनेबल होने चाहिए। टिकट बुक करते समय यात्री को क्लियर रूप से दिखाए जाने चाहिए और टिकट पर प्रिंटेड भी होने चाहिए। इससे पहले भी DGCA ने अपने एक आदेश में कहा था कि पेरेंट्स या गार्जियन के साथ एक ही PNR पर सफर करने वाले बच्चे को एयरलाइन को सीट देनी चाहिए। पहले बच्चों की सीट अभिभावकों से दूर होती थी। ये आदेश यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरी सुब्रमण्यम का कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री में रेवेन्यू मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल अदा करता है। इस वजह से एयरलाइन के पास अब नए नियमों का अनुपालन करते हुए टिकट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को कंप्लाई करने का एक अनूठा मौका है। सुब्रमण्यम का कहना है कि पिछले कुछ साल में एयरलाइंस फी बेस्ड सर्विसेज जोड़ने में काफी माहिर हो गई है। जो चीजें पहले मुफ्त हुआ करती थीं, जैसे चेक इन बैगेज और सीट सिलेक्शन, अब अक्सर वो एक्स्ट्रा चार्ज के साथ आती हैं। इस बदलाव से एयरलाइंस या तो टिकट की बेस प्राइस में सीट सिलेक्शन की कॉस्ट को शामिल करेंगे या तो प्राइस मैनेज करने के लिए फोरकास्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जब टिकट की कीमतें सभी सेगमेंट्स में समान होती हैं तो हर कैटेगरी की मांग का अनुमान लगाना कठिन होता है। सुब्रमण्यम का कहना है कि माता पिता के बगल में बच्चे के लिए सीट रिजर्व करने की जरूरत की वजह से एयरलाइंस को दूसरे यात्रियों के लिए अवेलेबल वेब चेक इन सीटों की संख्या लिमिटेड करनी पड़ सकती है। इससे एयरलाइंस बच्चों के सीट सिलेक्शन के वक्त टिकट की कीमत बढ़ा सकती हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे व्यवस्था इंप्लीमेंट होगी पता चलेगा कि टिकट सस्ती होगी या महंगी। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनयन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनयन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा, धन्यवाद। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।